माँ किचन कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। आज आपके साथ मैं लाहौरी मुर्ग छोले की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही स्पेशल और यूनिक रेसिपी है और बहुत ही ज्यादा मजेदार बनते हैं। चलो इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया है और साथ में मैं यहाँ पर ऐड करूंगी 1 टीस्पून सफेद जीरा और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, ये ऐड कर दिया। इसे थोड़ा हम चटकने देंगे। अच्छा, जीरा और दालचीनी क्रैकल हो चुके हैं। ये मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली हुई थी और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। इसे ऐड कर लेंगे। और इसे लाइट पिंक कलर आएगा ना तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना है हमें, हल्का सा गुलाबी होगा तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छा देखिए, ये कलर होना चाहिए प्याज का, ठीक है। और ये प्याज जो है फ्राई हो चुकी है और ये मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन ली हुई है, ये ऐड कर देंगे। और साथ में 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। चिकन का कलर जो है ना वाइट हो जाएगा तब तक हम इसे इस तरह से फ्राई करेंगे। अच्छा, चिकन को प्याज और लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है और जो है चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है, 1 टेबल स्पून है धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है और 1/4 टीस्पून ही गरम मसाला है। नमक और मिर्च हमेशा मैं कहती हूँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना। चलो इसको फिर मसालों के साथ अच्छी तरह से हम भूनेंगे। अच्छा, सारे मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसे 2-3 मिनट तक इस तरह से भुना है। अब जो है ना मसाले नीचे चिपकना नहीं चाहिए, सिर्फ मैं यहाँ पर इसमें 1/4 कप जितना पानी ऐड करूँगी और इसे इस तरह से 1-2 मिनट के लिए हम भूनेंगे। अच्छा, ये देखिए मसाला कितना बेहतरीन जो है ना भुन रहा है। और इस स्टेज पे यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमेटोज लिए हुए थे, उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। हम प्याज और टमाटर ब्लेंड करके कभी भी किसी सालन में डालते हैं ना तो उसकी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ सी बनती है। ब्लेंड कर दिया, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी तरह से फ्राई करेंगे 1-2 मिनट के लिए। टमेटो का जो पेस्ट हमने बनाया था, 2 मीडियम साइज के टमेटो लिए थे और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था, उसके साथ भी 2-3 मिनट तक भुना है हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून दही लिया हुआ है, फ्लेम को दही ऐड करते वक्त कम कर देंगे और फिर हम ये 3 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और फिर कवर करके हम इसे कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि जो मसाला और चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा ना तब तक हम इसे अभी अच्छी तरह से मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ और फिर हम इसे कवर करके पकाएंगे। इसे 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। अच्छा, इसे हम चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए ऑयल कितना अच्छा ऊपर आ चुका है। अच्छा, इस स्टेज पे जो है हम मुर्ग छोले हैं तो इसमें हम छोले ऐड करेंगे। ये मैंने सफ़ेद चने हैं, ये बॉइल्ड हैं, ये 2 कप चने हैं, ये ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। अब जो है ना हमें चनों के साथ चिकन को पकाना है तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 गिलास भर के पानी ताकि इसकी ग्रेवी बनेगी और चिकन जो है वो अच्छे से इसमें भी कुक होगी। इसे अब मज़ीद हम कवर करेंगे
और 10 से 12 मिनट के लिए अब हम चनों के साथ चिकन को पकाएंगे। अच्छा, इसे आप देखिए, इसका ऑयल भी अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है और चिकन भी अच्छी तरह से गल चुकी है। मैंने इसे चेक किया है। इस स्टेज पे हम ये मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ली हुई है, अराउंड 1 टेबल स्पून है, इसे ऐड कर देंगे। और जो है 1/4 टीस्पून पहले हमने गरम मसाला ऐड किया था, अब अभी भी हम थोड़ा 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये अभी हमारी जो है ना मज़ेदार सा मुर्ग छोले रेडी हो चुके हैं। इसे हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, जुलियन कट जो है अदरक है और हरी मिर्चे हैं, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम हल्की आंच पर रखेंगे, फिर मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखिए हमारे मुर्ग छोले कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और इसका कलर भी कितना बेहतरीन आया है। और इस ये जो मुर्ग छोले है ना बहुत ही टेस्टी होते हैं, और मैंने आपसे पहले ही कहा था बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। और इसे आप गर्मा गर्म नान के साथ, वाइट राइस के साथ इसे सर्व कर कीजिए, आपकी फैमिली को मजा आने वाला है, दावतों में बनाने वाली डिश है। इसी तरह की क्विक इजी और मजेदार रेसिपीज के लिए स्टे कनेक्टेड टू माँ किचन कॉर्नर। नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपी के साथ।